हेलो जय माता दी। तो आज हम बनाते चने की दाल। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोने को डाल दी थी और अभी इसको कुकर में पकाने के लिए डाल दी गई। अच्छे से भीग गई थी, यहाँ जल्दी पक जाती है दाल। तो ये काले चने थे, इसको काले चने पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग, जब ये तो ब्राउन होते हैं। और पानी डाल देगी इसमें कम से कम आधा लीटर, और इसमें नमक हल्दी डाल देगी। स्वाद। फिर इसको ढक्कन लगा के गैस पर रख देंगे और 3-4 सीटी लगा देंगे इसमें, ये जल्दी पक जाते हैं। और ये हमारे चने पक गए हैं अभी, तो इसको एक बार चेक करते हैं। अच्छे से नहीं पके तो फिर अच्छे नहीं बनते। और ये अभी इसमें लगाते हैं तड़का। एक कढ़ाई लगा दी और पैन में बना रही हूँ मैं। इसमें तेल डाल रही, तेल ज़्यादा नहीं डालेगी, ऑलिव ऑयल तेल है। और इसको गरम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुरंत डाल सकते। तो ये थे सूखे मसाले जैसे कड़ी पत्ता, सूखी मिर्चे, जीरा और लौंग, 2-3 काली मिर्चे और तेज पत्ता और दालचीनी। ये थोड़े सूखे मसाले डाले थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े थे। तो हम ज़्यादा इसको सिंपल मसाले में बनाएंगे। और 2 बड़े बड़े प्याज डाले थे इसमें। प्याज और टमाटर ज़्यादा डालती हूँ मैं काले चने में, तो अच्छे लगते हैं। ये प्याज हो गया था अभी, इसमें थोड़ी हल्दी कम थी पहले, थोड़ी लाल मिर्चे, थोड़ी हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर इसको अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। हींग डाल देंगे, हींग अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी और पेट के लिए भी। जैसे काले चने होते, कई लोगों को हजम नहीं होते, तो उसमें हींग डालना चाहिए, वो गैस नहीं बनती। फिर और इसमें भी टमाटर डाल दूँगी मैं, 2 टमाटर भी 2 ही थे, बड़े बड़े टमाटर थे, तो इसमें काट के डाल दिए थे। तो इसको अच्छे से थोड़ी भून लेगी और टमाटर को पका देगी थोड़ी देर। टमाटर कच्चे रहेगी तो फिर भी कच्चापन आ जाता है, उसको थोड़ा अच्छे से पकने देगी। अभी ढक्कन लगा के रख देगी उसको 5 मिनट के लिए। तो नमक थोड़ा डालेंगे इसमें भी, क्योंकि वो नमक से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। मिक्स करके थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, जो ढक्कन लगा के जले नहीं। इस तरह से टमाटर अच्छे से गल गए थे। अभी इसको इसमें हम जो चने हैं वो डाल दूंगी मैं इसमें, और चने आधे इसमें डालूंगी, आधे को मैश कर दूंगी। तो पानी के साथ आधे आधे डाल दिए और आधे चने इसमें कुकर में रहने देगी। उसको कड़छी से अच्छे से मैश कर देगी, क्योंकि वो अगर मैश नहीं करेगी तो दाल अच्छी मिक्स नहीं होती, फिर पानी अलग दाल अलग रह जाती है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा स्वाद आता है।
चने में चावल खाने के लिए ज़्यादातर ऐसे चावल से खाओ, चाहे रोटी के साथ खाओ, इस तरह से अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने आधे चने मैश कर दिए अच्छे से, तो इसको भी कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा पानी डाल देगी जो चने सारे चले जाएंगे। ये बन गई हमारी गाढ़ी सी दाल, और अभी इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गई और बहुत स्वाद लगते हैं। इस तरह से बनाओ काले चने, चाहे रोज बनाओ। तो इसको थोड़ा 5 मिनट पकने पका दिया हमने, क्योंकि इसमें पानी डाला था। अभी ये अच्छे से हो गई है, और पीछे इसको ढक के रख देगी और गैस कर देगी बंद। तो इसको ढक दिया और गैस बंद कर देगी। ये होगी हमारी दाल। और इधर जब तक दाल पकी, तो मैंने चावल डाले थे बिजली वाले कुकर में, वो भी तैयार हो गए थे। ये चावल भी हमारे हो गए थे, और इधर बना रही थी मैं रोटी। ज़्यादा नहीं, दो तीन, कोई रोटी खाता है कोई चावल खाता है, तो अलग अलग बनता है। तो ये था मेरा आज का लंच। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर।